हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रकृति मौर्य एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और सभी लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो मैं लेके आई हूँ, जो वीडियो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी। मीन्स 1900 सीटों में 14 सीटें, समझ लीजिए क्या था, सबको पता है। तो इस वजह से जो एग्ज़ाम है वो ऑर्डर आ चुका है कोर्ट का कि री एग्ज़ाम होगा। बट कई स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि एग्ज़ाम होगा भी री एग्ज़ाम या नहीं होगा, एक साल बाद होगा, दो साल बाद, या होगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। आप पिछले उसमें भी चले जाइए तो ऐसा नहीं है, UP SSC ने जो एग्ज़ाम्स हुए उन्हें क्लियर नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने क्लियर किया है। तो उसी तरह से वीडियो का जो री एग्ज़ाम है वो ज़रूर होगा। हाँ, हो सकता है 6 लगभग 3-4 महीने लग जाए, बट एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और जैसे कि पेट का एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर में है, तो जब भी एग्ज़ाम होगा वीडियो का उसी के बाद ही होगा। तो मेरे हिसाब से हो सकता है दिसंबर में हो, जनवरी में, मतलब जब भी। ये नहीं है कि एक साल बाद एग्ज़ाम होगा, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। 14 लाख के अप्रॉक्स जो है कि फॉर्म्स फिलअप किए गए थे और 9 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो अपीयर हुए थे। और ये तो कंफर्म है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनका तो ज़रूर एग्ज़ाम होगा, मीन्स उनका एडमिट कार्ड जारी होगा। लेकिन जो 5 लाख के आसपास जो बच्चों ने नहीं दिया था, तो हो सकता है उन्हें ना मौका मिले। बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग कौन होते हैं कैसे माने, वो तो आयोग डिसाइड करेगी। और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो मांगा था क्वालिफिकेशन, CCC। तो CCC भी उसमें दिया गया था कि जून 2018 के पहले आपके पास होना चाहिए CCC का डिग्री। तो हो सकता है कुछ और, मतलब आयोग जो है कि हो सकता है और डेट बढ़ा दे CCC के, कि आपका CCC इतने तक होना चाहिए, मतलब जो भी हो। तो ओवरऑल ये है कि हाँ, ज़रूर होगा पेपर, वीडियो का पेपर ज़रूर होगा पेट के एग्ज़ाम के बाद, होगा ही। और इसके अलावा वीडियो का सिलेबस सबको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस ऑफ 300 मार्क्स आएंगे, जिसमें कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/2, ये हमेशा याद रहे, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है, क्योंकि 50% नंबर कटेंगे, ठीक है, नेगेटिव आंसर्स, नेगेटिव मार्किंग में। और इसके अलावा 50 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के, 50 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, एंड 50 क्वेश्चंस आएंगे GK के। और पेपर का लेवल जो आया था 2018 में, उससे काफ़ी ऊपर रहने वाला है, मतलब रहेगा लेवल ऊपर, क्योंकि अब लगभग 4 साल हो गए। तो अब पेपर पैटर्न काफ़ी, इन 4 सालों में पेपर जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो उनका लेवल है वो काफ़ी ऊपर हुआ है, तो इसमें भी होगा। तो इसलिए सब लोग अच्छे से याद रखें हिंदी, चाहे जिस पब्लिकेशन की आपको अच्छी लगे, चाहे वो लूसेंट हो या फिर आदित्य पब्लिकेशन हो या फिर आपका नालंदा अकेडमी, जो भी बेहतर लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। और एक चैनल अगर आपको फॉलो करना है, सो यू ऑल कैन फॉलो दैट। और रीजनिंग के लिए एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हों। और उसके अलावा एक चैनल Study IQ में भी रीजनिंग के पुराने वीडियोस हैं उसमें है, और उसके अलावा और भी चैनल्स हैं, बहुत चैनल्स हैं। और उसके अलावा GK के लिए मतलब खूब पढ़ना है, उसमें भी कोई नहीं बोल सकता कि GK कहाँ से आएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश का GK हो गया, ये आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए, और जो GK की बुक है वो भी ले लीजिए, और भी एकाक GK की बुक्स हो जो कि कंसाइज में दी हो वो ले लीजिए। और उसके अलावा एक कोई आप चैनल फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स से इस बार अच्छे खासे क्वेश्चंस आने वाले हैं वीडियो के पेपर में, और तगड़े आएंगे। एक चीज़ देखा गया है कि जो इनके करंट अफेयर्स होते हैं वो तगड़े आते हैं पुराने से ही, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स जरूर रहते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं वो भी रहते हैं। तो इस हिसाब से तैयारी बिल्कुल तगड़ी करिए। और अभी तो मार्केट में कोई बुक इसके रिगार्डिंग आई नहीं होगी स्पेशली, मतलब मॉक टेस्ट की या जो भी, बट अगले वीडियो में मिलूंगी कुछ और जानकारी के साथ। और अपनी तैयारी सब लोग कैरी करते रहिए, और पेट का भी तैयारी अच्छे से करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टडी, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच।